आपको बता दें, नगरी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। पूर्व पार्षद और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश अहिरवार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष अशोक दांगी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने फूलमाला पहनाकर पूर्व पार्षद का स्वागत किया। बड़े नेता माने जाते हैं बीजेपी की, और जब पार्टी में सुनवाई नहीं हुई तो नाराज होकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। नगरीय निकाय चुनाव के पहले एक बड़ा फेरबदल पार्टी में देखने को मिला। पूर्व पार्षद और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश अहिरवार कांग्रेस में शामिल हो गए। दतिया से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष अशोक दांगी के समक्ष उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने फूलमाला पहनाकर पूर्व पार्षद का पार्टी में स्वागत किया है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा में ही कांग्रेस से लोग जा रहे हैं, बल्कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में भी लोग आ रहे हैं। और जगदीश अहिरवार इसकी एक बानगी है। भाजपा के एक बड़े नेता माने जाते हैं और काफी समय से पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से विचार नहीं मिले पार्टी से और पार्टी में कोई सुनवाई नहीं हुई, ऐसा इनका कहना है, और इस वजह से ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दतिया से बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा को नगरीय निकाय चुनाव में एक और झटका लगा है। दतिया में पूर्व पार्षद और भाजपा के वरिष्ठ नेता है जगदीश अहिरवार, जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष अशोक दांगी के समक्ष उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। फूल माला पहनाकर जगदीश अहिरवार का पार्टी में स्वागत किया गया और उन्हें बधाई दी गई इस नई पारी की शुरुआत के लिए। तो अब कांग्रेस से अपनी पारी की शुरुआत करेंगे जगदीश अहिरवार, और किस तरह से समीकरण बदलते हैं और कितना नुकसान इसका भाजपा को होगा, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। पूर्व पार्षद और भाजपा के वरिष्ठ नेता है जगदीश अहिरवार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है।